लोकसभा स्पीकर को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। पूर्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के घर पर बैठक हुई। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर पद पर समझौता नहीं करेगी बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी और डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए के सहयोगी दलों को देगी। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सत्र को करेंगे संबोधित। अगले 5 सालों के लिए नई सरकार की रोडमैप की रूपरेखा पेश करेंगी। 2 जुलाई को पीएम मोदी लोकसभा को संबोधित करेंगे, वहीं 3 जुलाई को राज्यसभा में पीएम का संबोधन होगा। मणिपुर के हालात पर गृहमंत्री अमित शाह ने किया हाई लेवल बैठक। हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। कहा जरूरत हुई तो जवानों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। मणिपुर में कुकी और मैतई समुदायों के साथ जल्द बैठक करेगा गृह मंत्रालय। बैठक में अमित शाह ने कहा मैतक, मैतई और कुकी समुदाय से शांति के लिए बातचीत होगी ताकि दोनों समुदायों के बीच की खाई को बांटा जा सके। तीसरे टर्म में पीएम मोदी का पहला वाराणसी दौरा आज। स्वागत के लिए काशी सज धज कर तैयार। काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे पीएम मोदी। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी किसानों को देंगे बड़ी सौगात। पीएम करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ से ज्यादा के पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे। किसान सम्मान सम्मेलन के बाद पीएम मोदी शाम 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। रात 8 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन भी करेंगे। रात में वाराणसी में ही रुकेंगे पीएम। यूपी के दौरे के बाद पीएम मोदी कल बिहार जाएंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। एक जनसभा को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी से मिले अमेरिका के एनएसए। मजबूत संबंधों को लेकर प्रतिबद्ध है पीएम। दोनों देशों में मजबूत रणनीतिक साझेदारी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर रंगापानी स्टेशन के पास हुआ हादसा। मालगाड़ी के इंजन के पीछे से टकराने के कारण कंचनजंगा एक्सप्रेस के 4 पिछले डिब्बे पटरी से उतरे। दार्जिलिंग ट्रेन हादसे पर बड़ा खुलासा। ट्रैक सिग्नल खराब होने से ट्रेन हादसे की आशंका। जांच में जुटी रेलवे सेफ्टी टीम। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दार्जिलिंग हादसे पर जताया दुख। हादसे के लिए पीड़ितों के मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 10 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए की मदद मिलेगी। ट्रेन हादसे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप। रेलवे पूरी तरह से अभिभावक विहीन हो गया है। दावा किया गया कि वो केवल किराया बढ़ाने के इच्छुक हैं, यात्री सुविधाओं में सुधार नहीं करना चाहता। हादसे के घायलों से मिले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। ममता बनर्जी के आरोपों पर अश्विनी वैष्णव ने कहा यह राजनीति का समय नहीं है, बचाव अभियान पर फोकस करना है। रेल हादसे की जांच तेज। सीआरएस ने शुरू की रेल हादसे की जांच। अश्विनी वैष्णव ने कहा दुर्घटना के कारणों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे। रेल हादसे पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बयान आया सामने। घटना के बारे में संवेदना जताने के बजाय ममता बनर्जी और केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। कहा हादसा पश्चिम बंगाल में हुआ इसलिए ममता बनर्जी समझेंगी। बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संतानु मजुमदार ने घायलों से अस्पताल में मुलाकात की। सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा ममता से राजनीति करना जानती है, इस समय राजनीति का नहीं, हादसे कैसे हुए इस मामले की छानबीन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आपके विधायक जय भगवान उपकार पर लगाया आरोप। बवाना में पानी की शिकायत करने वालों को जान से मारने की धमकी देने का आप विधायक पर आरोप लगाया गया है। अब दिल्ली के वीआईपी इलाकों में भी जल संकट। एनडीएमसी ने लुटियन जोन्स इलाके में पानी की कमी को लेकर अलर्ट जारी किया। प्रभावित क्षेत्रों में दिन में एक बार पानी की आपूर्ति की जाएगी, यानी सुबह के समय पानी सप्लाई की जाएगी। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी के दावे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का पलटवार। कहा हम दिल्ली सरकार को पूरा पानी दे रहे हैं, वो अपने गिरबान में झांके, आपका ध्यान भ्रष्टाचार पर है। आतंकवाद के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। सीडीएस अनिल चौहान ने
जम्मू का दौरा किया, उधमपुर में नॉर्थन कमांड में जवानों से मुलाकात की, सुरक्षा हालात की समीक्षा की। झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों नक्सलियों में मुठभेड़, मुठभेड़ में चार नक्सली ढेर, दो नक्सली गिरफ्तार, मुठभेड़ में चार नक्सली ढेर हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का प्रभारी बनाया गया है। केरल के वायनाड लोकसभा सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी, यूपी की रायबरेली सीट से बने रहेंगे सांसद। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ेंगे चुनाव। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने पर, प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, प्रियंका वाड्रा को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, तीसरी बार असफल हुए राहुल गांधी, ऐसे व्यक्ति हैं जो जिम्मेदारियों से बचते हैं। बीजेपी नेता अजय आलोक ने राहुल गांधी का वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने पर कसा तंज, कहा राहुल गांधी वायनाड से भागे, लोकसभा में भाई बहन के बीच में स्पर्धा होगी कि ज्यादा नकारा कौन है। अब राहुल गांधी वायनाड से भागे, अच्छा है, प्रियंका गांधी लड़े, शुभकामनाएं। हाल की चुनाव आसान नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि हम भी पूरी ताकत से लड़ेंगे, कम्युनिस्ट भी लड़ेगी, हाल की मुस्लिम लीग का सपोर्ट तो नहीं को रहेगा। प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर शहजाद पुनावाला ने निशाना साधा, कहा यह कांग्रेस पार्टी नहीं पारिवारिक कंपनी है, ये परिवारवाद का परिचय है। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है, ये तो आज सिद्ध हो गया। माताजी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की एक सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे, ये तो परिवारवाद का एक परिचय है।